दादी मैं आ गया। चलो दादी मैं आ गया। हाँ आ गया दादी। हाँ। बहुत देर के बाद आया हूँ है ना। हाँ। आपने मेरे को याद किया। हाँ। जब मैं घूमने जाऊंगा 15-20 दिन के लिए फिर याद नहीं करूंगा। हाँ। 15 दिन के लिए जाऊंगा घूमने। हाँ। के लिए पहाड़ों पे फिर आऊंगा नहीं। आप याद हो रहा कोई जो एक बच्चा था मेरा काम करता था कोई काम नहीं करता आपका। अच्छा होता है होता है कला मैं कम करें ना बैक उसका मुझे तो उसे लेकर ये ठीक है पालने के रास्ते के मोड़ देता बस दुआओं में याद रखना। हाँ दुआओं में याद रखना और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा बस तू सच इतने बस दुआओं में याद रखना ठीक है। हाली ता इधर पहाड़ ये दादा दादू को फोन मिलाते हैं पर तेरी माँ के घर भी पानी आया भी अंदर उनके घर छोटे है ना हमारे घर बड़े हैं हम अमीर है थोड़े से। हाँ ओ गरीब है हम थोड़े से अमीर है ना वो थोड़े। हाँ। से अब क्या बोलूं मैं अब यही है अपना घर तो इतना ऊपर वाला घर है देखो अपना इतना ऊपर घर है इतना लंबा घर है इतना। हाँ। चौड़ी पुल्ली है पानी। हाँ। कैसे आएगा पानी। हाँ। भी डरता है हमसे है ना ऊंचा है ना हमारा घर ऊपर है ना उनका घर छोटा है जिनके घर छोटे हैं उनके घर नहरें भर गई नदियां बन गई है ना। ये शुक्र है जब ये दीवान पहन दीवान पानी नहीं मिले। अच्छा तो शुक्र है ना फिर आपके कपड़े बच गए दीवान के अंदर पानी नहीं गया बेड के अंदर पानी नहीं गया बच गए वरना तो लंका लग जाती है आपकी। आप साफ करते वाइपर मार रहा था मैं यहाँ पोछा मार रहा था वाइपर मार रहे होते भगवान तेरी मासी हिम्मत की थी सारा सामान अच्छा चंडीगढ़ चलो मेरे नाल चलो चंडीगढ़ बाहर घुमा के आवा गड्डी चलो मैं पापे नाल गड्डी से बैंदा मैं चलो ये बंदा सामने जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़ गया है जहाँ पे मेरा चलान आया था है ना पापा। हाँ बेटा आज से 2-3 साल पहले जब लॉकडाउन का टाइम था ना तब मेरा भी चलान ऐसे आया था मैं शौक से चौड़े होके वहाँ खड़ा गया था गाड़ी के ऊपर जेब्रा के ऊपर जैसे ये खड़ गया। हाँ जैसे ये खड़ के चौड़े मार के जम्मू कश्मीर की कार है नंबर आप देख रहे हो अब उसको भी पता नहीं है उसको भी पता नहीं है शायद क्या होता बंदा बाहर का है वो कैमरा सामने लगा हुआ है देख लो आपके सामने वो रहा इसके घर भी पहुंच जाएगा ऐसा का समाचार ये भी चलान के पैसे भरने जाएगा फिर ये लॉकडाउन के टाइम पे मैं भरने गया था अपना चलान उस टाइम तो 500 लगा लेंगे अगर दोबारा चलान होता तो वो डबल होता है चलान। यहाँ कबूतर खा रहे हैं चारा आराम से 2000 का रेट कर दिया गया चलान के रेट बढ़ गए ना सारे 2000 का रेट हो गया बेटा भैया ये सीन है तो गाड़ी बंद होगी उसकी चल गया मैं मोबाइल नीचे कर लेता हूँ ताकि वो कैमरे में देखना ले। तो अगर आप भी चंडीगढ़ में आ रहे हो तो भैया कैमरा से बच के चलो हर जगह नुकीलों पे कैमरे लगे हैं ये मैं सोच रहा कि तुम बच जाओगे चाहे दिल्ली से दिल्ली की गाड़ी तो स्पेशल पकड़ते हैं वो वैसे तो पुलिस वाले बहुत कम रेयर खड़े होते हैं लेकिन अगर उनको पकड़नी होती है ऐसे बाहर की गाड़ी पकड़ते हैं चंडीगढ़ की गाड़ी पे इतना हार्ड नहीं डालते वो। यहाँ पर सारी कमाल कैमरे की है यहाँ पे सारी कमाल कैमरे की है हर एक छोटी चीज भी कैमरे में कैप्चर हो जाती है भाई तुम शाणाबाजी मत करना यहाँ पे आगे तुमको दिखा देता हूँ हल्के से कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं हर मर्जी चौक पे लगे हुए हैं कैमरे पीछे से चार कैमरे पीछे लगे होते हैं गाड़ी के ऊपर साइड पे और 2-3 कैमरे सामने लगे होते हैं। अब इस चौक पे होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा हल्का सा फोन नीचे करके दिखाऊंगा ताकि मेरा कैप्चर ना कर ले वैसे फोन तो कैप्चर नहीं करते पापा यार वो करते हैं नहीं ऊपर थोड़ी इस यहाँ इस वाले चौक पे नहीं है इस चौक पे है किसी चौक पे ऐसे राउंड अबाउट बने हैं तो उस पर टेंशन नहीं है लेकिन जहाँ लाइटें हैं वहाँ तो ध्यान से चलना पड़ेगा ना। अभी भाई क्या कर रहा है इतना बड़ा ट्रक लेके आ गया संडे के दिन यहाँ पे कुछ लाइटें चलती हैं कुछ लाइटें नहीं चलती जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पे लाइटें चलती हैं और जहाँ पे कम ट्रैफिक होता है वहाँ पे लाइटें नहीं चलती संडे के दिन सिर्फ बाकी दिन चलती हैं। वो सामने आ गए कैमरे में आपको दिखाता हूँ चार लगे हुए हैं सरेआम बिल्कुल गाड़ी कैप्चर हो जाती है उसमें अभी दिखाता हूँ ये अभी आएंगे पापा वो जो ऊपर डंडा लगा हुआ है ना ये जो चार कैमरे सज रहे हैं ऊपर देख लो तुम्हारे सामने ये नीचे कर लिया मैंने उनको दिखेगा ये देख रहे हो ऊपर चार कैमरे दिख रहा है कैमरे में नहीं आ रहा लल्लूआ नहीं आ रहा और 2-3 कैमरे आगे लाइटों पे भी लगे हैं
उन्होंने मेन ये देखना है कि ट्रैफिक का पालन कर रहे हैं नहीं, उन्होंने फोन थोड़ी देखना है। से वो पूछन थोड़ी, वो यूके की कार आई हुई है, लोग घूमने पहाड़ों पर जा रहे हैं और पहाड़ वाले घूमने यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ भी हमसे मिलने नीचे आए ना लैंडस्लाइड करते हुए। ये मैंने नया चश्मा बनवाया 38 सेक्टर भैया की शॉप से, पहले मेरा ब्लैक कलर का था, अभी सिल्वर कलर का बनवाया मैंने, वो पहले वाला टोटे हो गया था, मैं कार पे रख के गया था जिम पे, और जब मैं आया वापस और इस पे बैठ गया और चश्मे के ऊपर बैठ गया, वो टूट गया। फिर जब कभी बंदे को जल्दी होती तो लाइटें मिल जाती हैं, जब कभी जल्दी नहीं होती तो लाइटें मिलती ही नहीं है।